राम चौधरी हमाद है और मैं इस टाइम थरी मीरवा की तहसील के अंदर मौजूद हूं, जो कि पूरी की पूरी डूब चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता हुआ करता था किसी दौर में, आज से दो हफ्ते पहले, बारिशें शुरू होने से पहले। और यहाँ पे एक घिनौना इंकशाफ हुआ है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं कराची में था तो मुझे पता चला कि थरी मीरवा तहसील डूब चुकी है और यहाँ पे ये डूबी नहीं है, इसको डुबोया गया। तो मैं टू गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज आई केम हेयर, क्योंकि हमारी जो तंजीमें हैं या हमारे जो इदारे हैं, फोर्थ पिलर मीडिया वॉच डॉग है या हमारा जो मीडिया ग्रुप है जिद्दत ग्रुप और एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा काम आवाम तक पहुंच के उनके जो दुखों का मदावा करना है, उनके मसाइल को हल करना है, उनकी बात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो हम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आके यकीन कीजिए कि ये जो मेन रोड के नेशनल हाईवे के साथ साथ जो गोठ देहात लगते थे उन तक तो ट्रक भी पहुँच गए, सामान भी पहुँच गया, थोड़ा बहुत उनके दुखों का मदावा हुआ। लेकिन ये ऐसी बदकिस्मत तहसील है थरी मीरवा, और ये ऐसा बदकिस्मत इलाका है कि जिसके अंदर सैकड़ों गोठ नाजरीन जेरियाब आ चुके हैं। और मैं यकीन कीजिए कि दुखों का मदावा यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और उससे बढ़ के अफसोस की बात ये है कि मुझे ये पता चला कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई ऐसी, कोई डीसी, कोई किसी किस्म का जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है वो यहाँ नहीं पहुँचा। इसलिए नहीं पहुंच पाया कि यहाँ पे रास्ता ही कोई नहीं आ रहा है। ये रोड थी जो यहाँ पे इस टाइम वो एक हमारे इधर एक समाजी सियासी रहनुमा है निसार शर साहब, उन्होंने ये जो बोट है, अगर आपको पीछे दिखाएं तो ये उन्होंने ख़रीद के यहाँ भिजवाई थी। ये वो मसीहा बोट है दोस्तों, जो यहाँ पे हज़ारों, यहाँ पे हमने लोगों से बात की है, गाँव वाले वो इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और ये हज़ारों लोगों की जानें बचाने का बायस बनी। ये घर घर जा रहे हैं, लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं क्योंकि ज़मीनों पर तो पानी है, छतों से इस बोट पर आते हैं और जो भी वो सामान अपने साथ ला सकते हैं, बोरी, ये जो गंदम वगैरह यहाँ पे लगी हुई है लोगों ने सिक्योर की हुई थी अपनी, एक एक दो दो बोरी अगर किसी की आई है तो आई है, अदरवाइज़ आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये एक गांव की ऊंची तरीन रोटी है जहाँ पे ला के वो अपना सामान रख रहे हैं और यहाँ से आगे सेफ जगह पर पहुँचाया जा रहा है। बताने का मकसद ये है कि सैकड़ों गाँव डूब गए नाजरीन, और अभी भी इस हुकूमत को, सिंध हुकूमत की मैं यहाँ पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये सिंध का गाँव है और सिंध का एक गांव नहीं है, सैकड़ों गांव डूब गए हैं। थरी मीरवा की तहसील है, आप यहां पे आएँ क्योंकि यहां पे गाड़ी तो आ नहीं सकती, हेलीकॉप्टर के थ्रू आना पड़ेगा। और यहां पे मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग डूब गए हैं बहुत सारे, इस गांव के भी जहाँ जिसमें इस टाइम मैं खड़ा हूं, दो लोग इस गाँव के फौत हुए और सैकड़ों लोग बेचारे जो है वो पता नहीं जहाँ तक, क्योंकि एक कश्ती इज़ नॉट इनफ फॉर द थाउजेंड ऑफ द पीपल, लेकिन फिर भी उसने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। लोगों को सुबह से लेके इनका जो कश्ती वाले, इनसे मैंने बात की, इन्होंने कहा जी 24 घंटे कश्ती चल रही, जाहिर है इसका डीजल है, इसके मामलाते हैं, वो निसार शर साहब जो हैं वो एक बंदा है, वो किस हद तक करेगा। चलो हम भी अगर थोड़ा बहुत उनके साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुकूमत जो है ना वो जाहिर है कि जब तक अपना हिस्सा नहीं डालेगी यहाँ पे लोगों के दुखों का मदावा नहीं होगा। ये जो 110 अरब आया ना UN के थ्रू, अगर वही आप लोग इसमें लगा देना तो बहुत कुछ जो है वो बन जाएगा, अदरवाइज़ ये बेचारे, ये जो हमारी कौम है इसी तरह डूबती तड़पती सड़ती मर जाएगी। और आप लोग फिर एक दिन आएगा कि सारा पैसा लेके अपने अपने जो बाहर आप लोग जायदादें बना रहे हैं वो लेके चले जाएंगे। हमारा मकसद है हकायक दिखाना, सच बताना, बताते रहेंगे चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। ये थरी मीरवा की तहसील, इसके गांव जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने सोशल एक्टिविस्ट दोस्त हैं, मेरे जितने सोशल एक्टिविस्ट अहबाब हैं जो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचा सकते हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें। और ये हुकूमत सिंध, CM सिंध जो बिलावल भुट्टो इस टाइम वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको चाहिए कि इस इलाके में गाड़ी पे तो नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर पे हैं, और यहाँ पे घर घर में लोग जो हैं वो बेचारे मसरूर होकर रह गए। ज़ाहिर है कि अपनी जो माल मवेशी है, किसी का कुछ बचा है किसी का नहीं बचा, उनको छोड़ के नहीं जा सकते, लिहाजा उनके घरों में वो स्टक हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। ज़फ़रबाद से मैं कहूँगा, वो JDC की तरफ से बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। ये थरी मीरवा तहसील का किसी तरह रुख करें, हम भी यहाँ पर डेजर्टेड एरिया से होते हुए, हमारे पास जो है वो एक रिवो थाईलैंड की गाड़ी थी वो हमें ले आई, अदरवाइज़ हमारा भी आना बहुत मुश्किल था। रास्ते में हमने तीन चार जगह सोचा कि हम वापस चले जाएं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो वीडियोस हमारे पास आ रही थी वो बहुत ही गंभीर थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे ना रह सके और यहाँ पे आए। हमारा काम है आपको सच दिखाना, और उसके बाद अगला काम हुकूमत का शुरू होता है। अगर हुकूमत शुरू करेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगी तो हम दोबारा से आगे यहाँ पर आपको वीडियो दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।